नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप जानते ही हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 टायर वन के लिए हमने पीवाईक्यू सीरीज का जो है वो शुभारंभ किया हुआ है। इसी सीरीज के अंदर तीन वीडियो आ चुके हैं, तीन वीडियो हम करवा चुके हैं, जिसके अंदर हम 12 शिफ्ट के जो हैं वो क्वेश्चन पेपर करवा चुके हैं। 12 शिफ्ट के जीके जीएस के जो हैं वो सारे क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, और ये टोटल यहाँ पे 39 शिफ्टों के अंदर जो है वो एग्ज़ाम लिया गया था, जो है जो एसएससी सीजीएल था, सीजीएल जो 2023 का एग्ज़ाम था, यह टोटल 39 शिफ्टों में लिया गया था। इसी को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक टोटल 12 शिफ्ट जो हैं वो करवाई जा चुकी हैं, तीन वीडियोस आ चुके हैं आपको, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिएगा। उसी सीरीज का आज फोर्थ वीडियोस हम यहाँ पे लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके अंदर भी हम 4 शिफ्ट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। जीके जीएस के सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे करवाए जा रहे हैं, तो इस वीडियो सीरीज को अंत तक आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि एसएससी जो है वो क्वेश्चनों को रिपीट करती है। डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है वो देखने को मिल सकते हैं। 2024 के अंदर जीके जीएस जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि एसएससी का जो बच्चा होता है वो मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग काफ़ी अच्छे से कर लेता है, क्योंकि वो उसके अंदर निपुण होता है। जो मेन पेंच फंसता है वो जीके जीएस के अंदर फंसता है, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी क्वेश्चन नोट अटैम्प्ट करके आ जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता, और एक ही जगह एक ही प्लेटफॉर्म पर ये जो सारा सीरीज का डाटा है वो मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम ये कंप्लीट सीरीज ही लेके आए हैं, तो इस वीडियो सीरीज को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, या फिर कोई भी सजेशन है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए बहुत ज्यादा यहां पे मेहनत की गई है इस पीडीएफ के अंदर। इसके अलावा आपकी एक फ्रेश जो पीडीएफ है वो बनाई गई है वर्ड के अंदर, उस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम पर शेयर किया जाता है, उसमें आंसर नहीं बताए जाते, वो आपको खुद से अटेम्प्ट करनी होती है। एक बार ये वीडियोज देखने के बाद आप खुद से वो जो सीरीज है पीवाईक्यू की उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, डबल आपकी जो है वो तैयारी हो जाएगी, जिससे आपको अपनी तैयारी में और ज़्यादा जो है वो सफलता मिलेगी जीके जीएस के पोर्शन पर। तो चलिए आज के वीडियो की जो है वो शुरुआत कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए आज के वीडियो सेशन की हम शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्ट आज की हम देख लेते हैं, ये शिफ्ट नंबर 13 है। इसके पहले 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है, मानव पिरामिड बनाने और छांच से भरे मिट्टी के बर्तन यानी कि मटकी को तोड़ने का प्रयास करने की गतिविधि किस त्यौहार से जुड़ी है। तो किस त्यौहार से जुड़ी है जो मानव पिरामिड बनाने और छांच से भरे जो मिट्टी के बर्तन से मटकी तोड़ने का प्रयास है, ऐसा जो खेल होता है वो किस त्यौहार से जुड़ा हुआ है। तो वो जो खेल है ये जुड़ा हुआ है जन्माष्टमी से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा गया है, इमाद शाही वंश किस राज्य की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो इमाद शाही वंश जो था वो किसकी स्थापना के लिए जाना जाता है, यानी कि जो इमाद शाही वंश था उसने किसकी स्थापना की थी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये जो है इमाद शाही वंश ने बरार की जो है वो स्थापना की थी। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा गया, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का जो पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र कौन सा है, तो वो हो जाएगा राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है ये भारत के किस राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया है, कमलिनी और नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्न में से किसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया था, बट आप इस पद्मश्री को हटा देना, आपको सिर्फ ये याद रखना है कमलिनी और जो नलिनी अस्थाना है ये किस क्षेत्र से जो है वो जुड़ी हुई है। तो आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो कथक को विश्व स्तर पर पढ़ाने और प्रचारित करने के लिए इनको पद्मश्री से जो है वो सम्मानित किया गया 2022 है। तो कमलिनी और जो नलिनी है ये कथक से रिलेटेड है, यानी कि इनका संबंध कथक से संबंध है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर।
क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत शामिल है, तो किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर हैं, तो ये हो जाएंगे भाग 4 के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। संविधान के जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है ये हो जाएंगे भाग 4 के अंदर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताएंगे जो भारत के नीति निदेशक सिद्धांत हैं क्या ये वाद योग्य हैं या फिर वाद योग्य नहीं है। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपको, तो आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जो ये नीति निदेशक सिद्धांत है हमारे, ये वाद योग्य हैं या फिर नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, ई गोर्टर और एफ ग्रैंडल ने किस वर्ष में वसा लिपिड के सतह क्षेत्रफल की जांच करके एक बड़ी सफलता हासिल की और निष्कर्ष निकाला कि कोशिकाओं को घेर रही वसा सतह दोनों परती वाली होनी चाहिए। तो ई गोटर और एफ ग्रैंडल के द्वारा किस वर्ष ये जो है जांच के एक बड़ी सफलता हासिल की गई थी, तो ये हो जाएगा 1925, यानी कि राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पर, 7 में कहा गया है, सकल निवेश व मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, जो शुद्ध निवेश होता है वह मूल्यह्रास होता है, इनका जो योग होता है इनको इन दोनों का प्लस क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सकल निवेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, शुद्ध निवेश व मूल्यह्रास का जो योग है वो कहलाता है सकल निवेश। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड है, आइए देख लेते हैं, मोपला या किस मुस्लिम किसानों का एक शक्तिशाली जमींदारी विरोधी आंदोलन खड़ा किया था, वह आंदोलन किस राज्य में किया गया था, जो ये मोपला विद्रोह था, ये मुस्लिम किसानों ने एक शक्तिशाली जमींदारों के विरुद्ध ये जो मोपला विद्रोह था ये किसके द्वारा किया गया था, सबसे पहले आप ये रखना, जो मुस्लिम किसान थे उनके द्वारा मोपला विद्रोह किया गया था और किसके विरुद्ध किया गया था, तो ये उस समय के शक्तिशाली जो है वो जमींदार होते थे। इनके विरुद्ध ये जो है मोपला विद्रोह किया गया था और ये जो मोपला विद्रोह है ये किस राज्य में किया गया था, तो ये हो जाएगा केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो केरल राज्य में जो है मोपला विद्रोह किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 पर, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित क्रांति की विशेषताएं रही हैं, तो हरित क्रांति की कौन सी विशेषता रही है, आइए देख लेते हैं, फसल उत्पादकता में उछाल, व्यावसायिक खेती से निर्वाह खेती की ओर झुकाव, रकबे में वृद्धि, तो आइए देख लेते हैं क्या कुछ रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तो ए और सी जो है ये हरित क्रांति की विशेषताएं है रही हैं, फसल उत्पादकता में जो है उछाल भी रहा है और जो है रकबे यानी कि एक्डेज में वृद्धि भी हुई है, तो ये 9 के जो दो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए और सी ये दोनों जो है वो राइट हो जाएंगे हरित क्रांति की विशेषताओं में। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर, क्वेश्चन नंबर में सही मिलान कहा गया है, यहाँ पे कॉलम नंबर ए दिया गया है, यहाँ पे कॉलम नंबर बी दिया गया है और हमें जो है वो मिलान करना है, यहाँ पे देख लेना, पशुओं का मिलान कॉलम बी उल्लेखित संघ से करना है, मतलब कौन सा जो पक्षी मतलब जो जानवर है वो किस संघ से बिलोंग करता है ये हमें बताना है। आइए हम देख लेते हैं इसका आंसर सबसे पहले हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर 4, तो आइए इनका मिलान करते हैं, फर्स्ट का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जेलीफिश जो है वो सीलेंट्रेंट जो है इस संघ से बिलोंग करती है। उसके बाद सेकंड का हो जाएगा सी, यानी कि क्रेफिश जो है वो कीट से संबंध रखती है, कीट जो है संघ है उससे बिलोंग करती है। उसके बाद थर्ड जो है उसका बी हो जाएगा, वहेल मछली जो है ये स्तनपाई संघ से बिलोंग करती है और जो डेविल फिश है वो हो जाएगी ए, यानी कि मोलस्का संघ से बिलोंग करती है, ये इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। मैच द फॉलोइंग काफ़ी पूछे जाते हैं या फिर सिंगल लाइन में भी आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको पता होना चाहिए कौन सा जो जानवर है वो किस संघ से बिलोंग करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर,
क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया गया था? तो आप ये याद मत रखना कि गरीबी 2021 में सूचकांक में क्या किसका क्या रैंक था, ये छोड़ दीजिएगा। आपको ये याद रखना है राष्ट्रीय बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक था ये निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जो है वो जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है, निम्नलिखित में से किसने ओरु जाति, ओरु मातम और दैवम मनुष्यानु मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की थी? तो इन विचारधारों की जो वकालत है वो किसके द्वारा की गई थी? ओरु जाति, ओरु मातम और ओरु दैवम मनुष्यानु, यानी कि इसका मतलब होता है मानव जाति के लिए एक जाति, मानव जाति के लिए सभी मानव जातियों के लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर कि विचारधारा की वकालत किसने की थी? तो ये किसने की थी, ये हो जाएंगे नारायण गुरु। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नारायण गुरु के द्वारा जो है ये वकालत की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो ऑब्वियसली काफ़ी इजी क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी विक्टर फ्रांज हेस निम्नलिखित में से किस खोज के लिए मशहूर है? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं ये विज्ञानी विक्टर फ्रांज हेस, तो इनके द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो इनके द्वारा जो खोज है वो की गई थी ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज की गई थी। जो वैज्ञानिक थे विक्टर फ्रांज हेस, इनके द्वारा ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहा गया है, हेनरी कैवेंडिश ने पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक के मापन का जो वर्णन है वो कब किया था? तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा जो है वो पृथ्वी के द्रव्यमान और घनत्व के साथ गुरुत्वाकर्षण का जो स्थिरांक है उसका मापन का वर्णन कब किया था? तो ये कब किया था, जून 1978 में किया गया था, माफ़ कीजिएगा जून 1798 में किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया, आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 के लिए ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था? तो किस कार्यकारी बोर्ड की बैठक में जो है आईओसी यानी कि आईओसी की बैठक में ब्रिस्बेन 2032 के ओलंपिक पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र के दौरान जो है ये वोट दिया गया था ब्रिस्बेन 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, भारत में चीतों की पुनः स्थापना के लिए कार्य योजना के पहले चरण में सितंबर 2022 में मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में डैश छोड़े गए, तो कितने चीते छोड़े गए थे? तो ये छोड़े गए थे 8 चीते जो हैं वो छोड़े गए थे कुनो राष्ट्रीय उद्यान में। आप ये छोड़ दीजिएगा इस बार क्वेश्चन में कि कितने चीते छोड़े गए, आप बस इतना याद रखिएगा ये जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक जीके का यहां पे क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है, नवंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने होलोंगी ईटानगर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के नामकरण को डैश के रूप में मंजूरी दी थी। तो
किसके रूप में ये मंजूरी दी थी, तो ये हो जाएगा डोनी पोलो हवाई अड्डा के रूप में जो है वो मंजूरी दी गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नवंबर 2022 में। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2022 संतोष ट्रॉफी जीती है, तो ये उस टाइम का करंट अफेयर था, आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, बट मैं बता देता हूँ 2022 में जो संतोष ट्रॉफी है वो केरल राज्य के द्वारा जो है वो जीती गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। 20 में कहा गया पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 1986 में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था, तो 1986 के अंदर जो पंडित बिरजू महाराज हैं इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया था। तो ये स्ट्रैटेजी के है कि पंडित बिरजू महाराज को किस वर्ष पद्म विभूषण जो है वो प्राप्त हुआ था, 1986 में हुआ था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। तो क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। राज्य विधान परिषद की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है, तो राज्य विधान परिषद जो होती है उनकी संरचना के संबंध में हमसे कथन पूछे गए हैं। तो आइए पहले कथन को देख लेते हैं। परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या के 1/3 पर निर्धारित की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। परिषद की न्यूनतम शक्ति 40 निर्धारित की गई है, ठीक है। परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से कुल 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य जो है वो मनोनीत होते हैं। फोर्थ पॉइंट में कहा गया राज्यपाल द्वारा किए गए मनोनयन यानी कि मनोनीत सदस्य को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, तो इनमें से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं, तो आइए देख लेते हैं। राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए बी और सी ये तीनों कथन यहाँ पे सत्य हैं। ए कथन भी सही हो जाएगा, बी कथन भी सत्य हो जाएगा और सी कथन भी सत्य हो जाएगा। डी कथन जो है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा और सही कथन हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया भारत सरकार द्वारा लोकसभा को दिए गए एक लिखित उत्तर के अनुसार 20 जुलाई 2022 तक असंगठित क्षेत्र के लगभग डैश श्रमिक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं। ये जो संख्या है ये घटती बढ़ती रहती है, इसको भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ जुलाई 2022 तक ई श्रम पोर्टल पर कितने पंजीकृत हुए थे, तो ये हुए थे 28 करोड़ जो हैं वो पंजीकृत हुए थे। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाएंगे नंबर 23 पर। 23 में कहा गया है पश्चिमी हिमालय में जल संचयन प्रणाली की पहचान करें, तो पश्चिमी हिमालय में जो पश्चिमी हिमालय है उसमें जल संचयन की जो प्रणाली है वो कौन सी होती है, 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये हो जाएगा गुल। तो पश्चिमी हिमालय में जो जल संचयन की प्रणाली है उसको गुल कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी, ये क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं पिछली वीडियोस में, मैं इसको बता चुका हूँ, हालांकि उसमें इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है ये नहीं पूछा गया था। इंडिका के जो इंडिका जिसके द्वारा लिखी गई है ये पूछा गया था, इनको किसके द्वारा जो है वो भारत में भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो वो थे जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उन्हीं के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई थी इंडिका। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी मेगास्थनीज जो है इन्हीं के द्वारा इंडिका पुस्तक लिखी गई है जिसको सेल्यूकस के द्वारा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में से किसे अब्बा जी कहा जाता है, उन्होंने 1968 में अमेरिकी जैज ड्रमर बड़ी रीच के साथ मिलकर एक संगीत एल्बम बनाया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है किस व्यक्ति को भारतीय शास्त्रीय तबला वादकों में अब्बा जी कहा जाता है। तो अब्बा जी किसे कहा जाता है, तो ये इनका नाम हो जाएगा
क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि अल्लाह रखा जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। और अल्लाह रखा को ही अब्बा जी कहा जाता है, भारतीय तबला वादकों में अब्बा जी अल्लाह रखा को कहा जाता है। और 1968 में इनके द्वारा अमेरिकी जो जैज ड्रमर थे जिसके साथ इन्होंने एक संगीत एल्बम बनाया था। तो ये 25 जो है क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के ऊपर। चलिए आइए हम नेक्स्ट शिफ्ट के ऊपर जल्दी से जल्दी चलते हैं। थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। ये नेक्स्ट शिफ्ट स्टार्ट हो गई है। इसी के हम डायरेक्ट जीके जीएस वाले पोर्शन पर चलते हैं। ये रीजनिंग के क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे 25। ये यहाँ पे समाप्त हो गए हैं रीजनिंग, यहाँ से आ गई है जीके जीएस। तो चलिए इसका सेकंड शिफ्ट हम जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है, श्री ओम प्रकाश मिठारवाल निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित होने के कारण जो है वो खबरों में थे। तो आपको इस हिस्ट्री क्वेश्चन से ये याद रखना है, जो ओम प्रकाश मिठारवाल है ये कौन सा जो है वो खेल खेलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, इसके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिख गया है आपको। तो शूटिंग ये जो है ये खेल यहाँ पे खेलते हैं। तो इस शिफ्ट में आपको क्वेश्चन यहाँ पे आंसर डायरेक्ट मिलेंगे, क्योंकि मैं जो है इरेज करना भूल गया इनको। इस शिफ्ट में आप जो है वो मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो फ्रेश से क्वेश्चन लेके आएंगे, यहाँ पे आंसर जो है आपको वो मिलने वाले हैं। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। उसी क्वेश्चन में था आई थिंक, यहाँ पे ये क्वेश्चन है सेकंड में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम, किसी में आएगा तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे कहा गया है, ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है, मतलब जो पृथ्वी की परत होती है उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है, और अंदर तक यानी कि बाहर से अंदर, मतलब जो पृथ्वी है उसके बाहर से लेके जब हम अंदर तक जाएंगे, बाहर से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, बाहर से अंदर, तो पहले बाहर वाली परत को क्या कहा जाता है, फिर उसके नीचे जाएंगे तो नीचे वाली परत को क्या जाता है, सबसे नीचे जाएंगे तो उस परत को क्या कहा जाता है, ऐसे यहाँ पे पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो पहले भूपरपट्टी कहा जाता है, बाह्यतम जो बाहर की परत होती है उसको भूपरपट्टी कहा जाता है, जो उसके बाद परत होती है उसको मेंटल क्रोड कहा जाता है, यानी कि अंतरम जो कि अंदर वाली परत होती है उसको मेंटल क्रोड कहा जाता है। तो ऐसे आपको याद रखना है, बाहर मतलब जो बाहरी परत है भूपरपट्टी की, मतलब पृथ्वी की, उसको भूपरपट्टी कहा जाता है, और अंदर वाली परत को मेंटल क्रोड कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री पर। क्वेश्चन नंबर थ्री में कहा गया, जो कि साइंस से रिलेटेड है, 1,3-डाइमेथिल बेंजीन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता है। तो डाइमेथिल बेंजीन को किस रूप में जाना जाता है, तो यह किस रूप में जाना जाता है, ये जाना जाता है एम जाइलीन के रूप में जो है वो जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया, गरीबी के आकलन में निम्नलिखित में से किसे संदर्भित किया जा सकता है। तो गरीबी के आकलन में किसे संदर्भित जो है वो किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है मासिक प्रति व्यक्ति आय को जो है वो संदर्भित किया जा सकता है गरीबी आकलन में। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में पूछा गया है, निम्न लिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार नहीं है। तो भारतीय संविधान के अंदर आपको पता है 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन 6 मौलिक अधिकारों में से इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो कौन सा अधिकार नहीं है, ऑब्वियसली ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये मतदान का जो अधिकार है ये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों में नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया है,
क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया एंकिलोस्टोमो के लिए सामान्य शब्द क्या है, तो ये एंकिलोस्टोमो एक शब्द है, इसको सामान्य शब्द के रूप में सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है एंकिलोस्टोमो को, तो इसको सामान्य भाषा में कहा जाता है अंकुश कृमि, तो अंकुश कृमि जो है ये सामान्य शब्द यानी कि सामान्य भाषा में कहा जाता है एंकिलोस्टोमो को। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन पर, क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया भारत के राष्ट्रपति को हटाने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में कथन दिया गया है जो कि हमें सही कथन को फाइंड आउट करना है। महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, ठीक बात है। उसके बाद बात करें तो महाभियोग के आरोप उस सदन के एक तिहाई सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होने चाहिए जिसमें प्रक्रिया शुरू की गई है, ठीक है। आगे चलते हैं, महाभियोग प्रक्रिया में राष्ट्रपति को 30 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्यता के दो तिहाई बहुमत से जो है वो पारित किया जाता है, तो इनमें से कौन से कथन जो है वो सत्य बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो केवल ए और डी जो है वही यहाँ पे सत्य हो गया है, यानी कि पॉइंट ए में कहा गया है महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो संसद के किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, और जो डी पॉइंट है उसमें कहा गया है महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य के दो तिहाई बहुमत से जो है वो पारित होना चाहिए, ये दोनों ही जो कथन है वो सत्य हैं, बी भी यहाँ पे रोंग है और सी भी यहाँ पर रोंग है। तो नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर हम एट पर, क्वेश्चन नंबर एट में कहा गया एनबीएफसी यानी कि एनबीएफसी एमएफआई एनबीएफसी एमएफआई के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की न्यूनतम आवश्यकता डैश है, तो के सूक्ष्म वित्त ऋण की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो कितनी है, तो ये हो जाएगी कुल आस्तियों का 75%, ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का, तो ये हो जाएगी मिनिमम सूक्ष्म ऋण की जो न्यूनतम आवश्यकता है वो जाएगी कुल आस्तियों का 75%। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइन पर, क्वेश्चन नंबर नाइन में कहा गया है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है, तो नेशनल जो स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय है यूनिवर्सिटी है वो कहां पर है, तो ये हो जाएगी मणिपुर के अंदर, क्वेश्चन नंबर नाइन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो मणिपुर इसका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर टेन पर, क्वेश्चन नंबर टेन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा के मुख्य रूप में नहीं किया जाता, तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो उड़ीसा राज्य का नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो ये जो भवाई नृत्य है ये उड़ीसा राज्य में नहीं किया जाता। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन पर, इलेवन में कहा गया है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना डैश के आयु वर्ग के भारतीय नागरिकों के लिए है, तो किस एज के जो क्राइटेरिया के बच्चे हैं वो इस प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के अंतर्गत आते हैं, तो ये आते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ, 18 से 50 वर्ष के जो बीच आयु वर्ग के जो नागरिक हैं वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ने अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया था, सबसे पहले आप मुझे अभी का बताइए 26 जनवरी, आई होप आपको पता होना चाहिए 26 जनवरी 2024 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया है, यह आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो 73वां गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, तो 2022 में जो है वो 73वां गणतंत्र दिवस मनाया था, अब आप देख लेना तो 2024 का जो गणतंत्र दिवस था वो कौन से नंबर का था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर, 13 में कहा गया भारत में स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था, तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है भारत में कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था 2015 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो 2015 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर,
क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया, निम्नलिखित में से किसने खोज की थी कि डाइबोरेन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ अभिक्रिया करके डाई अल्कोबिसरेन बनता है, जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन होने पर अल्कोहल बनता है। तो ये खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये खोज की गई थी एच सी ब्राउन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो एच सी ब्राउन के द्वारा जो है ये खोज की गई थी कि डाइबोरोन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ मिलकर अभिक्रिया करके डाई अलक्सो बोरोन बनाता है, जिसका जल द्वारा जलीय अपघटन होने पर अल्कोहल जो है वो बन जाता है। तो ये खोज की थी एच सी ब्राउन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडा ने महाराष्ट्र में धार्मिक सुधारों से जुड़े अपने कार्य निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से किए थे? तो ये रामकृष्ण गोपाल भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे जो व्यक्ति थे, इन्होंने महाराष्ट्र के अंदर जो धार्मिक सुधार थे वो किस संगठन के साथ जुड़कर जो है वो किए थे? तो ये किए थे प्रार्थना समाज के साथ जुड़कर। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कहा गया, पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑब्वियसली ये जाना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हरित क्रांति के भारत के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? साथ में आप मुझे ये भी बताइएगा, जो श्वेत क्रांति है उसके जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन 1700 ईसा पूर्व में हथियारों के निर्माण के लिए सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल करने वाले देशों में से एक था? तो 1700 ईस्वी की यहाँ पे बात हो रही है, हथियारों के निर्माण में सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल किस देश ने किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि रोमानिया जो देश था सबसे पहले 1700 ईस्वी में हथियारों के निर्माण में लोहे का इस्तेमाल रोमानिया ने ही शुरू किया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया, केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ मामला किससे संबंधित है? तो केरल राज्य बनाम लीसम्मा जोसेफ मामला जो था ये विकलांग व्यक्तियों से जो है वो रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में कहा गया, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में डैश के विभाजन की घोषणा की थी। तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किसकी जो है वो विभाजन कर दिया गया था 1905 में? तो ये कर दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये कर दिया गया था बंगाल का, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में किसका विभाजन किया था? तो बंगाल का। तो इसी ऐसे ही किसी भी टाइप से जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, सिंहराज अधाना का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? तो सिंहराज अधाना जो व्यक्ति हैं ये कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये खेलते हैं निशानेबाजी। तो सिंहराज अधाना निशानेबाजी से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, 21 में, किस पौधे को एक हानिकारक खरपतवार माना जाता है जिसमें परभक्षियों से बचने के लिए रासायनिक रक्षा तंत्र होता है? तो कौन सा ऐसा जानवर है जिसको हानिकारक खरपतवार माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कैलोट्रोपिस को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। कैलोट्रोपिस को जो है ये हानिकारक खरपतवार माना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया, कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? तो कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति जो है वो किस वंश के जो है अंतराल पर हुई थी? तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। तो विजयनगर साम्राज्य के समय में जो है कर्नाटक संगीत की उत्पत्ति हुई थी। विजयनगर की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी।
हरिहर एवं बुक्का के द्वारा जो विजयनगर की स्थापना की गई थी, स्थापना वर्ष आप मुझे बताएंगे। स्थापना वर्ष आप मुझे बताइए। ऑप्शन दे देता हूँ 1333, 1334, 1335 और 1336। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया, पंडित जसराज भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन किस संगीत रूप से जुड़े हैं? तो पंडित जसराज जो हो गए, भीमसेन जोशी हो गए और जाकिर हुसैन हो गए, ये किस संगीत रूप से जुड़े हुए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये जुड़े हुए हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से, ये तीनों ही व्यक्ति जुड़े हुए हैं, तीनों ही महारत हासिल है शास्त्रीय संगीत के अंदर, पंडित जसराज, भीमसेन जोशी और जाकिर हुसैन। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में कहा गया है, भारतीय पंचांग के अनुसार वसंत ऋतु किन महीनों में आती है? तो भारतीय पंचांग के अनुसार जो वसंत ऋतु है वो किस महीने में आती है? तो ऑब्वियस सी बात है, ये आती है चैत्र बैशाख के महीने में आती है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो ये वसंत ऋतु जो है ये चैत्र बैशाख के महीने में आती है। तो इस सेकंड शिफ्ट का जो है वो क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के ऊपर। तो इसके अंदर कहा गया है, निम्नलिखित में से किसमें योगदान के लिए गुरु शशधर आचार्य को जो है 2020 में पद्मश्री से जो है वो सम्मानित किया गया था? तो ये किसके लिए किया गया था? क्वेश्चन नंबर 25 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो है छऊ नृत्य के लिए जो है जो गुरु शशधर है इन आचार्य को 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, साथ ही आपको इनका नृत्य जरूर याद रखना है। पद्मश्री आप याद रख पाएँ या ना रख पाएँ, लेकिन आपको ये याद रखना है जो ये शशधर आचार्य है ये कौन सा किस नृत्य से संबंध रखते हैं? तो ये रखते हैं छऊ नृत्य से। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, नेक्स्ट शिफ्ट पे आ जाएंगे जल्दी से जल्दी, शिफ्ट नंबर 3 पर आ जाएंगे। ये आ गई है शिफ्ट नंबर 3, इसके GKGS पोर्शन पर आ जाएंगे हम। ये यहाँ से आ गई है GKGS की पोर्शन। चलिए जल्दी से जल्दी इसको भी शुरू कर लेते हैं। शिफ्ट नंबर 3 है ये। पहले क्वेश्चन में कहा गया है, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है, जो चाय महोत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो असम राज्य के अंदर मनाया जाता है। और असम राज्य के किस शहर में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जोरहाट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, शहरी भारत में ढांचागत कमियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरू किए गए प्रमुख कार्यक्रम का नाम क्या है? तो ये ऑप्शन या आंसर इसी के अंदर लिखे हुए हैं, कोई बात नहीं, इस बार आप एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है ये क्वेश्चन यहाँ से डिलीट कर दिए जाएंगे, मतलब जो इनका ये आंसर है ये मिटा दिया जाएगा, आपको सिर्फ क्वेश्चन दिखेंगे। इस बार आप थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी विकास मिशन की जो है वो कार्यक्रम का नाम था, 2005 में शुरू किया गया था। ये था शहरी भारत में ढांचागत कमियों के निराकरण के लिए 2005 में शुरुआत की गई थी, आपको ये याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण जो मिशन है ये कब शुरू किया गया था? 2005 के अंदर ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल लीग निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो ये जो हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल लीग है ये किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो ये महात्मा गांधी ने लिखा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। जल्दी जल्दी चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है,
क्वेश्चन नंबर फोर्थ में कहा गया प्रसिद्ध संगीतकार फैयज खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो फैयज खान जो हैं ये बजाते हैं तबला, तबला से ये जो है वो संबंधित हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर। फिफ्थ में कहा गया निम्नलिखित में से किसने नागा लोक संगीत बनाने के SOT आधारित अभिनव तरीकों पर अपने प्रयासों के लिए वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार जीता था, तो ये किसने जीता था, तो ये जीता था मोवा सुबोंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ पर। सिक्स्थ में कहा गया ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक डैश किया जाता है, तो कितने वर्षों बाद किया जाता है, तो हर 4 वर्षों में जो है वो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। वर्तमान जो ओलंपिक खेल हुए थे ये कहाँ पर हुए थे, तो ये हुए थे पेरिस के अंदर। पेरिस ओलंपिक के सारे क्वेश्चन आप जरूर देख लेना, जिस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो सीरीज के अंदर डाल दूंगा। और जो पेरिस दो जो 2024 के पैरा ओलंपिक गेम है वो भी पेरिस के अंदर ही किए जा रहे हैं, तो इतनी जानकारी आपको रखनी है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर सेवन पर। तो क्वेश्चन नंबर सेवन में कहा गया कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है, तो कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत है, कौटिल्य के द्वारा सप्तांग सिद्धांत यानी कि 7 सिद्धांत दिए गए थे, 7 सिद्धांत दिए गए थे, तो उसके अंदर एक अमात्य सिद्धांत है, तो ये अमात्य सिद्धांत किसे दर्शाता है, तो ये दर्शाता है मंत्री और अधिकारी को। तो एक पूरी पुस्तक के अंदर कौटिल्य के द्वारा यानी चाणक्य के द्वारा राजाओं के बारे में बता रखा है कि राजाओं को क्या करना चाहिए, एक अच्छा कुशल प्रशासन चलाने के लिए राजा को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसा सब कुछ बताया गया है। अगर कोई राजा बिल्कुल जीरो पर है, किसी को कुछ नहीं आता, तो अगर वो बुक पढ़कर भी अगर अपना प्रशासन चलाएगा तो काफ़ी अच्छा प्रशासन वो चला सकता है। इस हिसाब से वो बुक का जो है निर्माण किया गया है चाणक्य के द्वारा, चाणक्य के द्वारा ही यानी कि कौटिल्य के द्वारा ही जो मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, वो राजा बने थे। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर एट पर। क्वेश्चन नंबर एट में कहा गया है पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे, तो ये जीते थे टोटल 19 पदक जीते थे यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी वर्तमान में जो है 2024 में पैरालंपिक जो गेम है वो चल रहे हैं, जो कि पेरिस के अंदर किए जा रहे हैं। यहाँ पर भारत ने अभी तक 1 स्वर्ण पदक जीत लिया है, टोटल अभी तक 6 जीते हैं। हम आशा करते हैं कि और सारे काफ़ी सारे पदक भारत यहाँ पर जीते। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया न्यायमूर्ति NV रमन्ना को अप्रैल 2021 में भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो नियुक्त किया गया था, तो कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था NV रमन्ना को 2021 के अंदर, तो ये हो जाएंगे 48वें नंबर के। तो ये 48वें नंबर के तो थे न्यायमूर्ति NV रमन्ना को अप्रैल 2021 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। अभी वर्तमान में जो है DYV चंद्रचूड़ जो हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, वो कितने कौन से वे नंबर के हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 में कहा गया रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो रायगढ़ जो घराना है ये किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये हो जाएगा कथक शैली से जो है वो संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में कहा गया है भारत को डैश के कारण जनसांख्यिकी लाभांश वाला देश माना जा सकता है, तो भारत को डैश के कारण, तो किसके कारण, तो कौन से आयु वर्ग की जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर ज़्यादा है जिससे जो लाभांश वाला देश माना जा सकता है, तो ये हो जाएगा 15 से 64 आयु वर्ग के जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर अधिकांश है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया अनुच्छेद 172 के अनुसार किसी राज्य की डैश नहीं भंग नहीं होगी, तो क्या नहीं भंग होगी, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद या फिर विधानसभा, तो ये विधान परिषद हो जाएगी, विधान परिषद को जो है वो भंग नहीं किया जा सकता, ये आप याद रखना। और ये किसके अंतर्गत आती है विधान परिषद, अनुच्छेद 172 के अंतर्गत विधान परिषद आती है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। ये साइंस से रिलेटेड है, देख लेना H2SO3 तत्व का प्रतिशत संगठन क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 2.5% H और 39% S और 58.5% ऑक्सीजन, तो ये आप प्रतिशत देख लेना थोड़ा सा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में कहा गया भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को जो है वो ग्रहण किया गया था, मतलब अपना लिया गया था, तो ये अपना लिया गया था 26 नवंबर 1949 को।
ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहा गया है निम्नलिखित में से किसके नियम में कहा गया है कि उपसतह में किसी भी बिंदु पर बहने वाले द्रव के प्रति इकाई द्रव्यमान की कुल ऊर्जा गतिज स्थितिज और द्रव दाब ऊर्जा का योग होती है और एक नियत मान के बराबर होती है। तो ये किसके बराबर होती है, ये हो जाएगा डेनियल बर्नौली के द्वारा ये नियम में कहा गया था। तो डेनियल बर्नौली के नियम में ऐसा कहा गया था, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कहा गया है गहराई अधिकतम से न्यूनतम के अनुसार झीलों का सही क्रम क्या है। तो ये गहराई यहाँ पे पूछी गई है, मतलब गहराई के अनुसार झीलों का सही क्रम हमें बताना है। सबसे गहरी झील पहले पे आएगी, उसके बाद कम गहराई, फिर थोड़ी और गहराई, ऐसे आपको बताना है। तो अधिकतम से न्यूनतम में बताना है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो पहले बैकाल आएगी झील, सबसे गहरी झील यही है, फिर तांगानिका आएगी, फिर कैप्शन सागर आएगी और फिर वोस्तोक आएगी। तो सबसे गहराई वाली झील आपको याद रखनी है, बैकाल झील आप जरूर याद रखिएगा, और आपको याद रहे ना रहे तो अधिकतम जो गहराई वाली झील है वो कौन सी हो जाएगी, बैकाल झील। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था। तो ये जो फारसी दूत था अब्दुल रज्जाक, ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। एटीन में कहा गया निम्नलिखित में से किस राज्य को मोलासेन बेसिन के नाम से भी जाना जाता है जो मृदु असंपीड़ित निक्षेपों से बना हुआ है। तो किसे जाना जाता है, तो ये मिजोरम को जो है वो जाना जाता है, मिजोरम राज्य को मोलासेस बेसिन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में पूछा गया महात्मा गांधी डैश में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो महात्मा गांधी जो थे वो भारत में दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो ये जनवरी 1915 में लौटे थे। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो मुझे बता सकता है कि जनवरी 1915 से पहले भी जो महात्मा गांधी थे एक बार भारत आए थे, तो कब आए थे वो आप बता सकते हैं। हिंट मैं दे देता हूँ, 1901, 1902, 1903, 1904, तो इन टाइम पीरियड में भी महात्मा गांधी एक बार भारत आए थे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि जो महात्मा गांधी है वो कब भारत आए थे, तो ज़रूर बताइएगा। और दक्षिण अफ्रीका ये एक अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए गए थे सन 1893-94 के अंदर, जो है ये गए थे अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में बैरिस्ट्री ये करते थे। आप मुझे बताइएगा इसका कमेंट सेक्शन में कब ये जो है लौटे थे, 1893 के अंदर ये साउथ अफ्रीका में गए थे अब्दुल्ला का केस लड़ने के लिए। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा ने निम्नलिखित में से कित ऐतिहासिक निर्णय में असहमति व्यक्त की। तो न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा थी, तो कौन सा ऐतिहासिक ऐसा निर्णय था जिसमें इन्होंने असहमति व्यक्त की थी, मतलब डिसीजन में अपनी असहमति व्यक्त की थी, मतलब ऐसा नहीं हो सकता ऐसा इनके द्वारा कहा गया था। तो ये फेमस जो है ये सबरीमाला महिलाओं में प्रवेश था। और ये सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है ये भी आपको याद रखना है, केरल राज्य के अंदर ये सबरीमाला मंदिर है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पर। 21 में कहा गया जोरावर सिंह जाधव को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री 2019 से सम्मानित किया गया था। तो किस योगदान के लिए दिया गया था, तो ये दिया गया था गुजराती लोक नृत्य में रूप भवई के लिए इनको 2019 में सम्मानित किया गया था। तो जोरावर सिंह जाधव का संबंध किस लोक नृत्य से है, तो ये हो जाएगा भवई लोक नृत्य से। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 में कहा गया निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, 1935 में की गई थी आरबीआई की स्थापना। तारीख आप मुझे बताएंगे किस तारीख को की गई थी, सन मैंने बता दिया है 1935, तारीख किस तारीख को आरबीआई की स्थापना की गई थी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और किसकी सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी, हिल्टन यंग कमीशन की स्थापना इस सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। 23 में कहा गया पादपों में मध्य पटल प्राथमिक कोशिका और द्वितीयक भित्तियों में मौजूद होता है और यह कोशिका विस्तार के समय विकास के प्रारंभिक चरणों में संचित होता है। तो क्या होता है,
पेक्टीन होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत रूप से सुमेलित है, तो कौन सा गलत रूप से सुमेलित है, तो ये ब्रायोफाइटा जो है मास से संबंधित है, एंजियोस्पर्म गुलाब से, जिम्नोस्पर्म पाइनस से और टेरिडोफाइटा साइकस से। तो गलत रूप से जो सुमेलित है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि टेरिडोफाइटा जो है वो साइकस से संबंधित सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 25। आज का इस शिफ्ट का लास्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों और औद्योगिक आधार के विकास पर जो है वो बल दिया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये जो है बल दिया गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना किसके ऊपर फोकस थी, तो ये उद्योग और औद्योगिक आधार के विकास पर फोकस थी। आज की लास्ट शिफ्ट जो हम शुरू कर लेते हैं जल्दी से जल्दी और इस वीडियो का समापन करते हैं। ये लास्ट शिफ्ट आ गई है आज की, जल्दी से इसके जीके जीएस क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जीके जीएस यहाँ से शुरू हो गए हैं, इसके भी आंसर मैं मिटाना भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगली वीडियो से आपको सारे आंसर जो है वो मिटे हुए मिलेंगे। इस बार आपके लिए प्लीज़ सॉरी है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सी शख्सियत संगीत वाद्य मैंडोलिन से जुड़ी हुई है, तो संगीत मैंडोलिन से जुड़ी हुई जो शख्सियत है वो हो जाएगी यू श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है यौगिक और उसके कथनांक का जो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, तो ये पूछा गया क्लोरोफार्म का जो है वो कथनांक कितना होता है, 334 केल्विन होता है। मेथेन का जो है वो कथनांक कितना होता है, 111 केल्विन होता है, तो कौन से इनमें से सही है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं, क्लोरोफॉर्म का जो कथनांक है वो 334 केल्विन होता है और मेथेन का जो कथनांक है वो 111 केल्विन होता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में कहा गया दिसंबर 2022 में भारत के पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण ने संघीय सरकार से देश के डैश के लिए यूके पेंशन योजना जैसी पेंशन को योजना आरंभ करने की सिफारिश की है, तो ये हो जाएगा गिग वर्करों ने, तो देश के गिग वर्करों के लिए यूके पेंशन योजना जैसी पेंशन योजना आरंभ करने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th में कहा गया निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी, ये क्वेश्चन मैं अभी तक जो वीडियो बना चुका हूँ ये आज चौथी वीडियो बना रहा हूँ मैं, चौथी वीडियो में ये प्रश्न लगभग 3 से 4 बार जो है वो रिपीट हो चुका है, इसीलिए मैं कहता हूँ एसएससी के जो पेपर होते हैं उनके अंदर जो है वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसीलिए आप इस सीरीज को जरूर से ज़रूर देख के जाइएगा। एसएससी सीजीएल 2023 पीवाईक्यू डेफिनेटली आपको यहाँ से क्वेश्चन दो है देखने को मिलेंगे। तो ये सवर्ण सिंह समिति की जो है सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5th पर। 5th में कहा गया है श्रीलंका कि वजीरा चित्रसेना को निम्नलिखित में से किसके लिए पद्म पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भारत श्रीलंका संबंधों को बेहतर बनाने के लिए जो श्रीलंका के वजीरा थी चित्रसेना, इनको 2020 में पद्मश्री से जो है वो सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 में कहा गया है भारत के उपराष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली भारत के राष्ट्रपति दिलाते हैं, अब जो है शपथ भारत के राष्ट्रपति जो है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 में कहा गया वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो वज्जी महाजन की पद की राजधानी वैशाली हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा जो विश्व का पहला स्वतंत्र गणतंत्र संघ कौन सा था, ऑप्शन यही है आपके, इनमें से बताइएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर।
क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया, निम्नलिखित में से कौन ताजे पानी के तालाबों, झीलों, दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है? तो ताजे पानी के तालाबों, झीलों, दलदलों में कौन सा जो है वो जंतुओं का संघ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एनेलिडा। इसमें चलन हेतु शूक या पिरामिडिया होता है। ये ताजे पानी के झीलों, तालाबों में, दलदलों में पाया जाता है ये संघ, एनेलिडा जिसको बोला जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से इसका वीडियो का अंत कर लेते हैं। 1908 में डैश और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय न्यायाधीश किंग फोर्ड थे। तो 1908 के अंदर जो है खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा किंग्सफोर्ड की जो गाड़ी थी उस पर बम फेंका गया था, बट दुर्भाग्यवश उस गाड़ी के अंदर जो है वो किंग्सफोर्ड नहीं थे और भारतीय जनता को प्रिय मानने वाले जो है वो थे और उनकी इसके अंदर मृत्यु हो गई थी। गलती से जो है वो बम फेंक दिया था, जो गलत गाड़ी समझ कर है प्रफुल्ल चाकी और जो है खुदीराम बोस ने गलत गाड़ी पर बम फेंक दिया गया था। 1908 में ये बम फेंका गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, निम्नलिखित में से किस अग्रणी वैज्ञानिक ने 1890 के दशक में कई किलोमीटर की दूरी तक संकेतों को प्रसारित करने के लिए रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया था? तो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल 1890 के दशक में किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था गुग्लिमो मार्कोनी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है भारत की किस जनगणना का नारा था? ये हो जाएगा 2011। तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये जो थीम थी ये 2011 की थीम थी। अभी 2011 के बाद कोई जनगणना हुई नहीं है, तो आपको जितना भी जनगणना का डाटा याद रखना है वो 2011 की का ही अभी तक याद रखना है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। 12 में कहा गया है, ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो ओलंपिक खेलों के प्रथम शीतकालीन संस्करण का जो आयोजन है वो किया गया था 1924 के अंदर। ये शीतकालीन की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये आप याद रखना। उसके बाद निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी से शुरू होने वाले 5 दिवसीय उत्सव लोक रंग का आयोजन किया जाता है? तो ये प्रत्येक 26 जनवरी से शुरू होता है जिसका नाम है लोक रंग उत्सव, तो ये किस राज्य में किया जाता है? ये मध्य प्रदेश राज्य के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में कहा गया, नदियों और नहरों की कुल 31.2 हज़ार किलोमीटर की लंबाई जो देश में नदियों और नहरों की कुल लंबाई का लगभग 17% है के साथ कौन सा राज्य इस मामले में पहले स्थान पर है? तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के अंदर ये सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 में कहा गया, पेपरोनील एथिल एसीटेट, ब्यूटीरीलिहाइड और नाइट्रेट कुछ ऐसे सामान्य अपमिश्रक हैं जिनका उपयोग डैश में मिलावट के लिए किया जाता है? तो ये आइसक्रीम में मिलावट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में कहा गया, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की घोषणा किस वर्ष के केंद्रीय बजट में की गई थी? तो ये की गई थी 2021-22 के केंद्रीय बजट में की गई थी आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना। इसका सन जरूर आप याद रखिएगा, आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना किस वर्ष जो है ये घोषणा की गई थी 2021-22 में। तो 21-22 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएंगे। अलंकरण की कला जिसे पिएट्रा ड्यूरा कहा जाता है किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? तो ये किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी? तो ये शाहजहां के शासनकाल में लोकप्रिय हुई थी, जिस कला का नाम है अलंकरण की कला, जिसे पिएट्रा ड्यूरा भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18 में कहा गया, पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में पीसी महालनोबिस के नाम की चर्चा क्यों की जाती है? तो पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर जो है महालनोबिस की नाम की चर्चा की जाती है। तो इस नाम की महालनोबिस नाम की चर्चा क्यों की जाती है? क्योंकि इन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के ढांचे की संकल्पना की थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में कहा गया है, 1995 में भूतल परिवहन मंत्रालय के तहत किस स्वायत्त निकाय का संचालन किया गया था? तो ये किया गया था भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। NHAI की फुल फॉर्म मुझे आप बताइएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, जामदा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा झारखंड से
संबंधित है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 नंबर में कहा गया हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, तो ये हुई थी 1967 में HCL की जो है वो स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 को देखें तो सूक्ष्म ऋण सूक्ष्म वित्त गरीबों के साथ बैंकिंग करने का एक नया दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण में गरीबों को डैश के माध्यम से बैंक ऋण प्रदान किया जाता है, तो ये स्वयं सहायता समूह के जो है जरिए इनको बैंक ऋण प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए डैश में स्थापित किया गया था, तो कहाँ पर स्थापित किया गया था, ये लंदन में स्थापित किया गया था। इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन था श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा, लंदन में जो है इसकी स्थापना की गई थी। आपसे उल्टा भी पूछा जा सकता है, इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना लंदन में की गई थी किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया संसद ने संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया, यह डैश राज्य से संबंधित है, तो ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस शिफ्ट का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी। तो क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया 17 से 30 जनवरी 2022 के बीच कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेला गया था, तो ये खेला गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये छोड़ सकते हैं आप, कोई ज़रूरी नहीं है, 2024 के जितने भी ग्रैंड स्लैम हुए हैं उनको याद रखिएगा, ये स्किप कर सकते हैं आप, कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो ये आज की हमने वीडियो देख ली है, टॉप यहाँ पे हमने 4 शिफ्टों के जो है वो क्वेश्चन पेपर देख लिए हैं, टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही होगी, वीडियोज़ अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिस भी आप SSC ग्रुप में जुड़े हों तो उस ग्रुप में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप और हमारा व्हाट्सएप चैनल इन दोनों को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी सारे इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स हैं PYQ पेपर हैं वो सारे यहीं पर आपको सेंड किए जाते हैं बिल्कुल फ्री में, PDF यहीं से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों चैनल्स को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी आपका डाउट है, क्वेरी है, सजेशन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।